दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत आप सभी का आज की ताज़ा बड़ी खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में 2,40,000 नए केस और 3,741 लोगों की मौत, और जैसे जैसे हम आपको ये आंकड़े बता रहे हैं वैसे वैसे ये आंकड़े और भी बढ़ रहे हैं। चलिए जानते अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना से जंग कहाँ बड़ा, लॉकडाउन कहाँ नहीं। दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा समेत 13 राज्यों का हाल बताएंगे आपको पूरी खबर विस्तार से। वहीं दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन रेलवे चक्रवाती तूफान की आहट के चलते कई ट्रेनें रद्द। दिल्ली बिहार रूट की गाड़ियों पर भी असर। देखिए पूरी जानकारी, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार दे रही है 2 महीने फ्री राशन, हमेशा चाहे तो अनाज जल्द बनवा ले राशन कार्ड। आपको राशन कार्ड कैसे बनवाना है इसकी पूरी जानकारी अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आरएसएस का मथन, पीएम मोदी अमित शाह भी रहे मौजूद, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की। दोस्तों आपको बता दें सस्ता रिचार्ज प्लान, सिर्फ 8 रुपये में खर्च करके हर महीने मिलेगा 4GB डेटा और कॉलिंग और 56 दिन की वैलिडिटी, इसकी पूरी खबर आपको थोड़ी देर में। दोस्तों आपको बता दें बैंक हॉलीडे इस सप्ताह 3 दिन बंद रहेंगे, जाने कब और पाएंगे आपको जरूरी काम, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। वही दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की। दोस्तों आपको बता दिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी व आजमगढ़ के दौरे पर जाने पूरा कार्यक्रम। तो चलिए दोस्तों जानते सभी खबरों के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहली बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,40,842 नए मामले सामने आए। हालांकि कल आपको बता दें कि 3,741 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जिसमें से 3,55,102 लोग ठीक भी हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना के ताज़ा आंकड़े इस समय 8,848 मामले, जिसमें सबसे ज़्यादा गुजरात और इसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ब्लैक इस समय सबसे ज़्यादा हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि इस सप्ताह 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। आपको बता दें कि मई के आखिरी सप्ताह में देश में कई हिस्सों में कम से कम 3 दिन के लिए बैंक बंद रहेंगे। हालांकि आपको बता दें कि ये बैंकों के तीनों छुट्टियां एक साथ नहीं है। पहले आपको बता दें कि 23 मई के 3 रविवार कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 26 मई को बुध पूर्णिमा के दिन है और आपको बता दें कि छुट्टी रहेगी, और 30 मई के दिन रविवार चलते हैं बैंक फिर बंद रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों के चलते कहीं जगहों पर बैंकों की छुट्टियाँ रहेगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि सस्ता रिचार्ज प्लान, सिर्फ 8 रुपये में खर्च करके आपको मिलेगा 4GB डेटा और फ्री कॉलिंग और 56 दिन की वैलिडिटी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बाद देश में इस समय इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया। आपको बता दें कि कोरोना के चलते ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज और दफ्तर सभी बंद पड़े, ऐसे में स्थिति में लोग इंटरनेट के जरिए अपने दफ्तर का काम और स्कूल कॉलेज की पढ़ाई निपटा रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति अपने घर के अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की मांग कर रहा ताकि काम को तेज़ी से कर सके। आपको बता दें कि अगर आपके पास ब्रॉडबैंड इंटरनेट नहीं है तो आप टेलीकॉम कंपनियों की प्रीपेड प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको यूजर्स को 4GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जाती है। खास बात है कि कंपनियों को कुछ प्लान ऐसे भी है जिसमें सिर्फ 8 रुपये खर्च करके आप हर दिन 4GB डेटा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने चक्रवाती तूफान की आड़ के चलते कई ट्रेनों को किया रद्द। आपको बता दें कि इस समय देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते रेलगाड़ियों की संख्या में आई कमी के चलते भारतीय रेलवे ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनों को परिचालन को यातायात को रद्द कर दिया, फिर उनके फेरों में कमी आई। अब चक्रवाती तूफान के आहास की आकस्म में कहीं ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया, जिसमें आपको बता दें 10 जोड़ी
अस्थायी रूप से कर दिया। वही मध्य पूर्वी रेलवे में आपको बता दें कि हाजीपुर के इस समय कहीं ट्रेनों को रद्द कर दिया। तो चलिए दोस्तों जानते अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार दे रही है 2 महीने फ्री राशन। आपको बता दें कोरोना को देखते हुए देश के अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया। आपको बता दें कि ऐसे में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके सामने खाने पीने की समस्या उत्पादन हो गई। आपको बता दें इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून में राशन का धारकों को जो मुफ्त राशन देने की ऐलान किया। आपको बता दें इसी कड़ी में कई राज्य अपने नागरिकों मुफ्त राशन दे रहे। दिल्ली और यूपी में बिना राशन कार्ड वाले सरकार राशन दे रही है। आपको बता दें कि इस समय दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना को देखते हुए वैसे लोगों को भी राशन दे रहे जिनके पास राशन कार्ड नहीं। इस योजना के तहत दिल्ली में रहने वाले बेहतर राशन कार्ड धारकों को बिना राशन कार्ड के लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों जानते अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी व आजमगढ़ के दौरे पर। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के पूर्व दौरे पर आज से आजमगढ़ और वाराणसी आपको बता दें मिर्जापुर मंडल मुख्यालय का दौरा करेंगे। वहीं आपको बता दें सीएम सबसे पहले सोमवार की दोपहर को आजमगढ़ पहुंचेंगे। यहां मंडलीय समीक्ष बैठक में आज के चक्रपुर में आज के मेडिकल कॉलेज के स्थानीय सुविधाओं को निरीक्षण करने के बाद कोविड कंट्रोल सेंटर में कोरोना का रोकथाम की निगरानी पर व्यवस्था रखेंगे। आपको बता दें आजमगढ़ में करीब आज के 4 घंटे तक दौरा करने के बाद सीएम हेलीकॉप्टर से जो आपको बता दें दूसरी जगह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें इस समय के देश में कोरोना की दूसरी लहर ने काफी कोहराम बरपाया। आपको बता दें फिलहाल बात करें तो कोरोना के मामलों में कमी जरूर आई लेकिन मौतों का सिलसिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों आपको बता दें कि चिंताजनक बनी वही कोरोना की चेन तोड़ने के लिए देश में ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन की आंशिक रूप से और कोरोना कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन कुछ हफ्तों के लिए बढ़ा दिया। आपको बता दें कि क्योंकि राज्य सरकारों का मानना है कि लॉकडाउन जैसे कोरोना के मामलों में कमी आई। वहीं पिछले 24 घंटों में 2.40 लाख नए मामले सामने आए जबकि आपको बता दें कि 3,000 से भी अधिक लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई। तो चलिए दोस्तों जानते अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के लेकर संगठन में वरिष्ठ नेता मथन जारी। आपको बता दें इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ संघ आपको बता दें संक्रमण स्तर पर बोले। आपको बता दें रविवार को गंभीर सूचना की गई। तो चलिए दोस्तों जानते अगली खबर के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें रोजाना देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें फटाफट जानने के लिए अभी हमारे चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।